जब क्लाइंट के हेयर बिल्कुल फ्लैट होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप किस तरह से लेयर का लुक क्रिएट कर सकते हैं, उसका सिंपल तरीका इस वीडियो में शेयर है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे क्लाइंट के हेयर लॉन्ग हैं और बिल्कुल फ्लैट हैं, तो हमें जितना हेयर ट्रिम करना है, थोड़ा सा लेंथ कम करना है, तो उसको हम गाइडलाइन क्रिएट कर रहे हैं। जितना रफ हेयर है उसे ट्रिम कर ले रहे हैं और ये बिल्कुल स्ट्रेट कट करके निकाल दिया जितना लेंथ निकालना था। और फिर यहाँ पे सेंटर पार्टिंग कर लेंगे, ठीक है? तो पहले सेंटर पार्टिंग करेंगे और यहाँ पे सेंटर पार्टिंग से दोनों साइड से लेकर हम गाइडलाइन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमें लॉन्ग हेयर को रखे हैं, लॉन्ग चाहिए हमारे क्लाइंट को, और गाइडलाइन क्रिएट करके फिर पतला सा सेक्शन ले रहे हैं और गाइडलाइन से मर्ज करके हल्का हल्का ट्रिम करते हुए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेयर को लिया गाइडलाइन को और फिंगर में होल्ड किया, ऊपर से सीजर रखा और धीरे धीरे सीजर को नीचे की तरफ मूव करते हुए आएंगे और थोड़ा थोड़ा हेयर कट करते हुए चले जाएंगे। जैसा कि अभी आप देखिए ध्यान से कि सारे हेयर को लिया और सीजर को हल्का हल्का मूव कर रहे हैं और धीरे धीरे फिंगर को नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, तो हेयर कट होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके सारे सेक्शन को कट करना है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि फ्रंट साइड से हम बैक साइड की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हेयर को ले रहे हैं, फिंगर में होल्ड कर रहे हैं, सीजर को ऊपर की तरफ से रखना है और धीरे धीरे सीजर को मूव करते हुए नीचे की तरफ जाना है। बिल्कुल सीजर पॉइंट से हेयर को कट करना है और हल्का हल्का प्रेस करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके बैक फ्रंट साइड के हेयर कट हो चुके हैं, अब बैक साइड के हेयर कट करने हैं। तो उसे भी कॉम करके सारे हेयर को लेके हम जा रहे हैं फ्रंट साइड, और फ्रंट साइड यहाँ फिंगर में होल्ड किया, अब यहाँ पे फाइनल कट हो रहा है। लास्ट वाला सारा बैक साइड का सारा हेयर आ चुका है और ये जितना एक्स्ट्रा हेयर है नीचे से उसको ट्रिम कर दे रहे हैं। ट्रिम करने के बाद उसको थोड़ा सा टेक्सचराइज कर देंगे। तो ये लास्ट वाले सेक्शन में करना है, जो एकदम लास्ट वाला सेक्शन है उसके साथ ये चीज़ आपको करनी है। सारे हेयर को एक साथ लेना है और नीचे की तरफ से जितना हमें ट्रिम करना है ट्रिम करेंगे और हल्का हल्का सा टेक्सचराइज करेंगे, और उसके बाद से सारे सेक्शन को लेके जाएंगे 60 डिग्री पर या फिर 80 डिग्री पर लेके जाएंगे और वहाँ फिंगर में होल्ड करेंगे और टेक्सचराइज करेंगे। तो इसी तरह से सेकेंड साइड के हेयर को भी 60 या फिर 80 डिग्री पे लेके जाएंगे, टेक्सचराइज करेंगे, फिर 90 डिग्री पे लेके जाएंगे, टेक्सचराइज करेंगे, और सारे हेयर को हम फ्रंट साइड लाकर ही टेक्सचराइज करेंगे। बैक साइड के हेयर को फ्रंट साइड लाकर टेक्सचराइज करेंगे। अब यहाँ पे कट करने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा बाउंस क्रिएट करने के लिए हमें टॉप एरिया पर सेक्शन बनाना है, 90 डिग्री पे लेके जाना है और यहाँ पे हल्का हल्का सा टेक्सचराइजिंग कर देना है। हल्का हल्का सा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। फिर राउंड शेप में सेक्शन बनाना है दूसरा सेक्शन, और उसे भी लेके जाना है 90 डिग्री पे और वहाँ ले जाकर उसे भी हल्का हल्का टेक्सचराइज करना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सारे हेयर को सेम प्रोसेस से टेक्सचराइज कर देना है। उसके बाद आपको ब्लो ड्राई कर देना है। ब्लो ड्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लेयर आ चुका है। तो जब स्ट्रेट और फ्लैट हेयर आपके पास आए तो आप इस तरह से कटिंग दे सकते हैं, हेयर काफ़ी खूबसूरत लगेंगे और बहुत ढेर सारे लेयर्स दिखाई देंगे और हेयर स्ट्रेट भी दिखेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।